अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी कोक्सकॉम प्लांट्स पे, कि कोक्सकॉम प्लांट को हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से इसकी देखभाल करनी है, क्या इसका रखरखाव है, और क्या हम इसको सिर्फ सीडलिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, या ये सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए भी ग्रो हो सकता है। तो चलें, ये जो मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरे सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं। और देखें, अभी तकरीबन 3-3.5 इंच का प्लांट है और फ्लावरिंग कैसे अच्छे से शुरू हो गई है इस पर। और फ्लावरिंग का स्टाइल देखिए, माशाल्लाह कैसे खूबसूरत सा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। और ये बहुत सी कलर रेंज में आते हैं, इसकी देसी वैरायटी भी है, इधर इसकी ये ड्रॉप वैरायटी में भी प्लांट्स आते हैं। तो चलें देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी सीडलिंग करेंगे। और मेरे पास और बहुत सी जगहों पे जहाँ जहाँ भी सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए ग्रो हो रहे हैं प्लांट्स, मैं आपको दिखाती हूँ, और इनको किस तरह से हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इस पर भी बात करते हैं। ये आपको जितने भी छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स नज़र आ रहे हैं कोक्सकॉम के, ये मेरे पास सब के सब सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए ग्रो हो रहे हैं। और माशाल्लाह देखें, बिल्कुल छोटे छोटे से 1.5-1.5 इंच के प्लांट्स हैं और इन पे फ्लावरिंग शुरू हो रही है और समझ आ रही है कि कौन सा कलर का प्लांट है। ये हैं कोक्सकॉम के सीड्स। मैं जैसे भी कलेक्ट करती हूँ, थोड़े बहुत करती हूँ, बाकी खुद ही सेल्फ इनके गिर जाते हैं और सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए ग्रो हो जाते हैं। तो ये मिक्स कलर में पड़े होते हैं मेरे पास। तो इन सीड्स को ग्रो करने के लिए हमने इस पॉट में मिट्टी ली है भलवा ली, और इसमें मैंने पानी दे दिया है। तो इन सीड्स को हमने कुछ भी नहीं करना, बस आहिस्तगी से इसके ऊपर मिट्टी के स्प्रेड कर देना है। और स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हमने हल्की हल्की सी लेयर, आप चाहें तो भलवाली मिट्टी डाल लें, चाहें तो गार्डन की सॉइल डाल लें, अगर आप कोकोपीट यूज़ करते हैं तो कोकोपीट डाल लें, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। जिस तरह का मीडिया चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसका सीडलिंग का मेथड जस्ट इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे मेरे कुछ बहन भाइयों के कमेंट्स थे कि कोक्सकॉम पे मुकम्मल वीडियो बना के दिखाएं, सीडलिंग से लेके तो ट्रांसप्लांटिंग तक। तो अब हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्का सा पानी दे देना है, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी मॉइस्ट है। इस तरह हम इजी तरीके से सीडलिंग कर सकते हैं घर पे कोक्सकॉम प्लांट्स की। और ये कुछ प्लांट्स हैं, ये देखें मैंने ग्रो किए हुए थे, और मज़ीद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जहाँ जहाँ गार्डन में सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए बहुत से प्लांट्स पाए हैं, तो उनको हम किस तरह से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये देखें, ये ऊपर मेरा प्लमेरिया का प्लांट लगा हुआ है, चंपा का, तो इसके बेस में इसके साथ प्लांट्स पड़े हुए थे लास्ट ईयर। तो ये देखें, ये सारी की सारी जो सीडलिंग है ये खुद से ग्रो हो रही है। तो ये वाली जो सीडलिंग है, चूँकि माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी हेल्दी है, तो इन प्लांट्स को हम यहाँ से निकालते हैं। इसको निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस आपने आहिस्ता से हल्के हाथ से प्लांट को यूँ शुरू से पकड़ के नीचे से तो आहिस्ता से ऊपर को खींच लेना है। और इन प्लांट्स को आप न्यू पॉट में लगा के शेड में रखें 4-5 दिन के लिए, उसके बाद आप इनको शेडी प्लेस धूप वाली जगह पे रख दें, तो ये प्लांट बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं। और ये देखें, ये आपको लास्ट ईयर का इसमें फ्लावर गिरा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये कहीं पिंचिंग करके तो शायद मैंने खुद ही डाला है, और उसमें से ये देखें माशाल्लाह अभी मज़ीद सीड्स भी हैं इसमें, और ये सारे के सारे प्लांट्स भी इसी एक फूल की वजह से इतने सारे इसमें जर्मिनेट हो गए हैं।
ये बीच में सदाबहार के भी निकले हुए हैं और कोकसम के भी बहुत सारी सीडलिंग इसमें रेडी है बिल्कुल। तो चलिए इन प्लांट्स को हम मुख्तलिफ जगहों पे गार्डन में लगा देंगे तो ये बहुत ही आसानी से हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे कोकसकुम के। तो चलें इन प्लांट्स को हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो कोकसकुम की इस पौध को लगाने के लिए मैंने कुछ पॉट्स लिए हैं जिनमें मेरे गार्डन की सॉइल और गार्डन कंपोस्ट वगैरह मिक्स है, तो इसमें हम होल बना के तो अपने प्लांट्स को इनमें सेट कर देंगे। और एक प्लांट ये देखें मैं स्पेशली आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ कि इस तरह से ये सारे के सारे जितने भी प्लांट्स हैं कोकसकुम के निकल रहे हैं इसके अंदर। और मज़ीद जो अब सीडलिंग कलेक्ट की है तो ये देखें इस तरह से कोई सीड्स सफाई करते हुए चले जाएँ मिट्टी में या खुद से गिर जाएँ तो वक्त आने पर वो खुद ही जर्मिनेट हो जाते हैं और हमारे पास बहुत ही अच्छे से सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए बहुत से प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। तो चले इनको करते हैं ट्रांसप्लांट। तो हम एक एक प्लांट को उठाएंगे और इस तरह से पॉट्स में रख के तो सेट करते जाएंगे और बहुत ही इजीली ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं। गर्मियों में भी ये ग्रो हो जाते हैं और सर्दियों में भी ग्रो होते हैं। ये सर्दी भी बर्दाश्त करते हैं और गर्मी में भी बर्दाश्त कर जाते हैं बहुत ही ईजीली। और अगर खुली स्पेस में लगे हुए हों ये प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा इनके लीव्स बड़े बड़े हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे ग्रोथ लेके निकलते हैं ये प्लांट्स। इस तरह से सारे प्लांट्स को सेट करके अब हम इनमें पानी डाल देंगे। तो इस तरह से कोकसकुम की जितनी भी वैरायटी होती है हम उनको इजीली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और गर्मियों में भी और सर्दियों में भी इनका भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं, इनकी खूबसूरती देख सकते हैं अपने गार्डन में। तो ये जो बाकी मज़ीद सीडलिंग बच गई है इसके अंदर मैं यहीं पे पानी डाल दूंगी और फिर आराम से बाद में मैं इसको ट्रांसप्लांट कर लूंगी। तो बात हम करते हैं कोकसकुम प्लांट्स की केयर के मुतालिक। तो इनकी ज़रूरत के मुताबिक आप इनको पानी दें, जैसे ही मिट्टी खुश्क हो जाए तो पानी डालें, गीली मिट्टी पर बार बार पानी मत दीजिए। और जब फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो कोशिश करें कि फ्लावरिंग के ऊपर पानी ना डाला जाए बल्कि नीचे पॉट में या ज़मीन में पानी डाला जाए जहाँ पे मिट्टी होती है, प्लांट्स की रूट्स के करीब पानी दिया जाए। क्योंकि अगर हम इसके ऊपर पानी डालते हैं तो प्लांट फ्लावर के अंदर पानी रुकना शुरू हो जाता है और वहाँ से फंगस शुरू होती है और प्लांट ख़राब हो जाता है। वैसे भी जो कोकसकुम प्लांट है ये ओवर वाटरिंग की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और बहुत जल्द इसकी जो रूट्स हैं वो गल जाती हैं, इसलिए बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक पानी दें। थोड़ा सा पानी की कमी को तो बर्दाश्त कर लेता है ये प्लांट लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और फर्टिलाइज़र वगैरह की अगर बात करें तो चूँकि ये एक तरह से सीजनल प्लांट है तो जब इसकी मिट्टी बनाएं तो अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी बना के तो लगाएं इसको और साथ में थोड़ी रिच सॉइल बनाने की कोशिश करें। और इसके अलावा DAP के चंद दाने, 2-3 दाने इसमें दे दें तो भी कोई हर्ज नहीं है, अच्छी ग्रोथ होती है। और गार्डनिंग मैन्योर तो ज़बरदस्त है ये तमाम प्लांट्स के लिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप इसको ऐसी साइड पे रखें जहाँ पे सुबह की 3-4-5 घंटे की धूप इस पर आ जाए, लेकिन जो तकरीबन 12 बजे से लेके तो 4-4 बजे की तक की धूप होती है ना, उससे इन प्लांट्स को बचाएँ। ज़मीन में बर्दाश्त कर जाते हैं लगे हुए लेकिन पॉट्स में ये प्लांट जो है इतनी शदीद गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते। और पेस्ट वगैरह मिली भक्स का अटैक देखा है इन पे, स्पाइडर माइट्स भी आ जाते हैं, तो इसके लिए आप कोई सा भी स्प्रे कर दें, नीम ऑयल का कर दें, होममेड कर दें या कोई भी केमिकल वाला अगर यूज़ करते हैं तो वो भी आप ईजीली कर सकते हैं इनके ऊपर। तो
आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम इसकी सीडलिंग करते हैं और किस तरह से फिर हम प्लांट्स को आहिस्तगी से निकाल के तो मज़ीद न्यू जगह पे ट्रांसप्लांट करते हैं, न्यू पॉट्स में या ज़मीन में। और अगर इन प्लांट्स को आप हैज की सूरत में लगाते हैं, इनके कहीं भी सर्कल बना के लगाएं, बीच में कोई और प्लांट हो या किसी भी बड़े प्लांट के नीचे सर्कल बना के लगाएं, तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसा कि बाहर सिटीज़ में आपने देखा होगा कि चौकस में जहाँ भी लगे हुए नज़र आते हैं दायरे में, तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं और बहुत ही अच्छी लुक देते हैं। मुख्तलिफ कलर्स के थोड़ी थोड़ी जगह पे एक कलर लगा दें, थोड़ी जगह पे आगे एक कलर के लगा दें, तो ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है और बहुत खूबसूरती बख्शता है माहौल को, हमारे इर्द गिर्द को। तो ओके, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।